और इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक और विवादित बयान दिया है। भोपाल में कार्यक्रम में बोलते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवा पहनने वाले लोग आज तक बलात्कार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दिग्विजय ने भगवा पहनकर चूरन बेचने की बात भी कही। दिग्विजय सिंह ने जय श्री राम के नारे पर भी सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह का कहना था कि जय सिया राम के नारे को कुछ लोगों ने जय श्री राम कर दिया है और सीता मां को नारे से हटा दिया है। आज भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर ही माफ नहीं करेगा। जय सिया राम, जय सिया राम। महाराज जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप सभी इस महान संतों से, ये नारा जय सिया राम होना चाहिए, क्योंकि जय श्री राम कुछ राजनीतिक लोगों ने इसे उद्बोधन बना लिया है। सीता जी को हम क्यों भूल जाते हैं महाराज? जय सियाराम। शायद ये भूल रहे हैं कि जब लंका पार की गई थी तब भी पत्थरों पर श्री राम लिखा था। अब बात राजनाथ सिंह की, जो कि तेजस का दम देखने वाले हैं। राजनाथ सिंह 19 सितंबर को तेजस से उड़ान भरेंगे और ऐसा करने वाले वो देश के पहले रक्षा मंत्री होंगे। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देखेंगे तेजस का दम। तेजस के साथ रक्षा मंत्री करेंगे हवा से बात। मेक इन इंडिया विमान से देंगे दुश्मनों को पैगाम। हिंदुस्तान की शान तेजस विमान। हिंदुस्तान के स्वदेशी विमान तेजस का दम अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद उड़ाकर देखेंगे। 19 सितंबर को राजनाथ सिंह बेंगलुरु में तेजस पर सवार होकर हवा से बातें करेंगे। तेजस में रक्षा मंत्री की ये उड़ान उस वक्त होने जा रही है जब HAL को देश में बनाए जाने वाले 83 तेजस के लिए 45,000 करोड़ रुपए का बजट मिलने जा रहा है। राजनाथ सिंह देश के पहले रक्षा मंत्री होंगे जो तेजस जैसे स्वदेशी विमान से उड़ान भरेंगे। हाल ही में लड़ाकू विमान तेजस की अरेस्ट लैंडिंग कराई गई जो सफल रही। ये गोवा में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की देखरेख में हुआ, जहां तेजस की डिजाइनिंग की गई थी। दुनिया भी तेजस का लोहा मान चुकी है। सिंगापुर के रक्षा मंत्री नग इन हेन ने पिछले साल तेजस से उड़ान भरी थी। भारत और सिंगापुर के साझा सैनिक अभ्यास के दौरान हेंग इन ने तेजस का दम देखा था। वायुसेना के कई एयर शो में तेजस अपना जलवा बिखेर चुका है। इसी साल फरवरी में तेजस आधिकारिक तौर पर वायुसेना में शामिल हुआ था। बेंगलुरु में हुए एयर शो में सेना प्रमुख विपिन रावत ने तेजस पर सवार होकर उड़ान भरी थी। तेजस हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। एक तेजस को बनाने में लगभग 300 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तेजस मल्टी रोल विमान है और इसकी तकनीक किसी वीडियो गेम की तरह है, जिससे इसको उड़ाना आसान है। ये 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। 20 साल के इंतजार के बाद तैयार हुआ तेजस पाकिस्तान और चीन के साझा प्रोजेक्ट थंडर को फीका कर देता है। इससे पहले निर्मला सीतारमण ने पिछली सरकार में रक्षा मंत्री होने के दौरान सुखोई से उड़ान भरी थी। मोदी सरकार लगातार स्वदेशी पर जोर दे रही है। तेजस फाइटर जेट के भारतीयकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यही वजह है कि दुनिया के कई देशों ने तेजस खरीदने की इच्छा भी जताई है। कश्मीर पर मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान लगातार युद्ध की गीदड़ भभकी दे रहा है। ऐसे में देश के रक्षा मंत्री का स्वदेशी विमान से उड़ान भरना हिंदुस्तान पर बुरी नजर रखने वालों के लिए सख्त संदेश है। कुछ दिन पहले ही अभिनंदन ने एयर चीफ मार्शल बाजवा के साथ MiG-21 से उड़ान भरी थी। करीब 6 महीने बाद अभिनंदन ने इस उड़ान से वापसी की और दुनिया को भारतीय जांबाजों की ताकत का एहसास कराया। अब बारी तेजस की है, जो खुद रक्षा मंत्री को लेकर आसमान से बातें करने वाला है। मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक। इंडियन नेवी ने एक बार फिर ड्रैगन की चोरी का पर्दाफाश किया है। नौसेना के जासूसी विमान P-8I ने चीन के जहाजों को ट्रैक करने के बाद उसकी तस्वीरें जारी की हैं, जिसके बाद चीनी सेना के गलत मंसूबे उजागर हो गए। P-8
इंडियन नेवी ने चीन की चोरी का एक बार फिर से भंडाफोड़ किया है। दक्षिण हिंद महासागर रीजन में जासूसी कर रहे चीनी युद्धपोत जियान 32 को भारत के जासूसी विमान P-8I ने ट्रैक कर उसकी तस्वीरें जारी की है, जिसमें चीनी जहाज जियान 32 श्रीलंका की समुद्री सीमा में प्रवेश करने वाला दिख रहा है। नौसेना की निगरानी विमान P-8I ने ये तस्वीरें जारी की है। इस दौरान चीन के एक और युद्धपोत को भी भारतीय नौसेना ने ट्रैक किया, जो अदन की खाड़ी में तैनात चीन की एंटी पायरेसी एस्कॉर्ट टास्क फोर्स का हिस्सा है। चीन का यह विमानवाहक युद्धपोत सोमाली समुद्री डाकुओं से चीनी व्यापारी जहाजों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए तैनात की गई है। आपको बता दें कि हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के 7 युद्धपोत तैनात हैं, जिनमें 27,000 टन से अधिक वजनी एक जहाज भी शामिल है। वहीं भारतीय नौसेना P-8I जासूसी विमानों और अन्य निगरानी वाले यंत्रों से चीन के इन जहाजों को ट्रैक करने का काम कर रही है, जिससे चीन की हर नापाक चाल का पता लगाया जा सके। आज तक ब्यूरो। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन पर कांगो गए कर्नल गौरव सोलंकी की हादसे के दौरान मौत हो गई। वो अपने साथियों को बचाने के लिए झील में कूदे लेकिन वापस नहीं आ सके। सेना को 6 दिन लग गए उनका शव खोजने में। परिवार बेटे की मौत से सदमे में है। कर्नल गौरव सोलंकी देश का एक ऐसा होनहार और बहादुर बेटा जो अपने साथियों की जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा बैठा। कर्नल गौरव सोलंकी संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन पर मध्य अफ्रीकी देश डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में मिलिट्री स्टाफ ऑफिसर के रूप में तैनात थे। माँ को बेटे के लौटने का बेसब्री से इंतजार था, लेकिन वापस लौटा तो गौरव का शव। इसलिए घर सारा मेंटेन करवाया, घर की सफेदी वगैरह आने की खुशी में करवा रही थी सारा। ये नहीं मालूम था इस तरह से आएगा। माँ के अलावा दोनों बच्चे पापा के लौटने की तारीख का इंतजार कर रहे थे। 4 साल के बेटे को तो एहसास भी नहीं है कि उसके सिर से पिता का साया उठ चुका है। पत्नी को अपने पति की बहादुरी पर गर्व है और चाहती है कि उनके बच्चे भी अपने पिता की तरह बने। इतने ऑपरेशंस में रहे हैं, हर जगह से वापस आए, पर अभी भी लास्ट वाले में भी मतलब 2 ऑफिसर्स की जान बचाते हुए उन्होंने मतलब अपनी जान का फिर भी नहीं सोचा, उनकी जान बचाते हुए उन्होंने अपनी जान गंवाई। मतलब हमेशा उनका जो जज्बा था वो मतलब देशभक्ति का, भगत सिंह से बहुत इंस्पायर थे। हमेशा अभी भी मेरे घर में भगत सिंह की वॉल पे फोटो लगी हुई है, भगत सिंह से इंस्पायर थे हमेशा। मतलब उन बहुत बड़े फॉलोअर उन्हीं के भगत सिंह के ही थे, तो वो जज्बा उनमें देशभक्ति का मतलब कूट कूट कर भरा हुआ था। गौरव की रग रग में देश के लिए कुछ कर गुजरने को लेकर जुनून था। भाई को तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि खतरों से खेलने वाला गौरव किसी हादसे का शिकार हो सकता है। ये तो शोर पे आ गए थे और इन्होंने आवाज देके जो लोग इनकी तरफ आ रहे थे उनको बोला कि आप दूसरों को ढूंढिए, उस तरफ जाइए, मैं सेफ हूँ। और ये आए हैं, लाइफ जैकेट फेंकी है, फिर पानी में कूद गए। और वो कोई 100 किलोमीटर की लेक है, मतलब इट इज़ लाइक अ सी, एंड बिना सोचे उस तूफान में इस डाइव कर गए कि मैं लेके आता हूँ इनको। तो टीम प्लेयर, एक्स्ट्रॉर्डनरी करेज एंड कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। हादसे के 6 दिन बाद गौरव का शव कांगो की कीवू झील से बरामद हुआ। पहले तो परिवार को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन जब गौरव का शव घर पहुंचा तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। चिराग गोठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली आज तक।